जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का अगला एक्सरसाइज विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। कहता अगर कोई पॉइंट ए और एक पॉइंट अगर यहाँ बी है, इसका मान अगर एक्स टू वाई टू है और इसका वैल्यू अगर एक्स वन वाई वन लेते हैं, तो इस पॉइंट से बनने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को कोई तीसरा पॉइंट जो कहीं ना कहीं इसको एक्स और वाई के रूप में मान लेते हैं, इसको पी है, ये पॉइंट पी है और इसका जो बिंदु है वो एक्स वाई है, नियामक इसका एक्स वाई है। इस ये पॉइंट इस रेखा को विभाजित करते हैं, डिवाइड करता है एम वन और एम टू के रेशियो में, ठीक है। ये कोई एक रेखा है ए बी, जिसको कोई पॉइंट पी जिसका बिंदु एक्स वाई है, इसको M1 M2 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो इसका ये जो x का वैल्यू है और y का, इस क्या होगा, इसका वैल्यू होगा M1 into x2 plus M2 into x1, ठीक है, by M1 plus M2। ये तो हुआ x के लिए। अब कोमा y के लिए लिखेंगे M1 into Y2 plus M2 into Y1 by M1 plus M2। ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर ए बी कोई एक रेखा है जिसको पॉइंट P पर कोई एक्स वाई बिंदु विभाजित करती है, तो उसको उस पॉइंट को निकालने का ये फॉर्मूला है M1 into X2 plus M2 into X1 by M1 plus M2। फिर दूसरा ये y, ये x निकलेगा और इससे y निकलेगा, m1 into y2 plus m2 into y1 by m1 plus m2। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन है कि कोई बिंदु माइनस एक और सात है और कोई बिंदु ये है चार और माइनस तीन, इस दो बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको एक बिंदु कहीं ना कहीं डिवाइड करता है दो रेशियो तीन के अनुपात में। इसका मतलब ये जो भाई ये दो भाग है और ये तीन भाग है, ठीक है, दो अनुपात तीन के अनुपात में इसको डिवाइड करता है। माइनस वन और सात एक कोई पॉइंट है, इसको ए मानेंगे और अगर इसको बी माने तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये जो पॉइंट है इसको मानेंगे एक्स वाई, ठीक है। अगर इसको पी माने तो एक्स वाई निकालने का तरीका क्या होगा, अभी बताया एम वन दो है गुना एम वन इंटू एक्स टू चार है प्लस एम टू थ्री है इंटू एक्स वन माइनस वन है गुना माइनस वन बाय एम वन प्लस एम टू यानी टू प्लस थ्री, ये निकलेगा एक्स। और वाई निकालने के लिए फिर M1 into Y2 plus M2 into Y1 यानी 7 by M1 plus M2, ठीक है, जहाँ M1 और M2 क्या है दो plus थ्री। अब इसको करेंगे चार दुने आठ plus इसका हो जाएगा माइनस थ्री by फाइव कोमा इसका हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस इक्कीस बाय फाइव, इसको करेंगे तो फाइव बाय फाइव कोमा ये हो जाएगा पंद्रह बटा पाँच, ये होगा एक और ये होगा तीन, यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक और तीन होगा। एक्स वाई का जो वैल्यू है, एक्स का वैल्यू वन निकला और वाई का वैल्यू तीन निकला। इसका मतलब ये जो पॉइंट पी इसको विभाजित कर रहे दो रेशियो वन में, इसका वैल्यू वह एक और तीन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है बिंदु ए है चार कॉमा माइनस एक, ठीक है, और फिर है माइनस दो कॉमा माइनस तीन। अब कहता है ये जो पॉइंट है ए बी, इस पॉइंट को ए बी जो पॉइंट है इस पॉइंट को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित का मतलब हुआ इसको बराबर तीन भाग में बांटती है। अगर एक पॉइंट यहाँ होगा तो एक पॉइंट यहाँ, एक दो तीन,
तीन बराबर भागों में इस रेखा को बांटती है। अगर बराबर भागों में बांट रही है, इसका मतलब ये भी एक हुआ, ये भी एक हुआ, ये भी एक होगा। अगर इसको P मान करके लिखे हैं एक्स वन वाई वन, और इसको Q मान करके लिखे हैं एक्स टू वाई टू, ठीक है। तब कहता है कि अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को निकालना, अगर इस पॉइंट को निकालना है तो इसके लिए जो रेशियो होगा इस पॉइंट के लिए, यानी P का वैल्यू एक्स वन वाई वन के लिए एम वन होगा वन, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ है और ये यहाँ से पूरा यहाँ लेंगे, यहाँ तक नहीं लेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए इसको एम टू का वैल्यू लेना होगा दो, ठीक है। तो अब इस पॉइंट को अगर निकालना है तो इसको लिखेंगे एम वन, एम वन इंटू एक्स टू, एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन, एम टू इंटू एक्स वन बाय एम वन प्लस एक्स एम टू। फिर लिखेंगे एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो होगा माइनस टू प्लस एट बाय थ्री, माइनस थ्री माइनस टू बाय थ्री। अब इसको करेंगे तो होगा सिक्स बाई थ्री, और इसका होगा माइनस फाइव बाई थ्री। ये कट के आएगा टू कोमा माइनस फाइव बाई थ्री। अब ये जो पॉइंट है ये निकल के आ गया आपका टू कोमा माइनस फाइव बाई थ्री। इस पॉइंट निकल करके ये पी जो है, पी का वैल्यू आया है टू कोमा माइनस फाइव बाई थ्री। लेकिन अभी क्यू निकालना बाकी है। अब इसके लिए बात करें, जब बात इस Q की आती है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए M1 जो होगा ये दो होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमको M1 लेना है और यहाँ से यहाँ लेना है M2। तो M1 यहाँ से यहाँ दो हो जाएगा और M2 हो जाएगा वन, ठीक है। अब इसको लिखेंगे X2 कोमा Y2, इस पॉइंट को निकाल रहे हैं तो इसका करेंगे M1 इंटू X2 प्लस M2 इंटू X1 बाय एम वन प्लस एम टू कोमा। फिर लिखेंगे एम वन इंटू वाई टू यानी माइनस थ्री प्लस एम टू, एम टू है वन इंटू वाई वन, वाई वन है माइनस वन, ठीक है। बाय करेंगे टू प्लस वन, ठीक है। इसको कर देंगे माइनस चार प्लस चार बाय थ्री, इसका होगा माइनस सिक्स प्लस, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस वन बाई थ्री। ये देखिए चार सात जीरो हो जाएगा तो इसका मान जीरो बाय माइनस सात बटा तीन। ये आ गया क्यू का वैल्यू, जीरो कॉमा माइनस सात बाई थ्री, ये इसका क्यू का वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट निकल चुका है, ये भी दिया हुआ है, ये निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ये पहले से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीन कहता है कि इस तरह सा कोई डायग्राम बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। कहता है एक्स अक्ष में निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में, ये एकक मीटर का दूरी है, एकक मीटर की दूरी पर एक्स अक्ष में इस तरह से कुछ रखा हुआ है, और वाई अक्ष पर कोई गमला रखा हुआ है जो वाई अक्ष पर, ये भी एकक मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। जहाँ 100 मीटर तक दिया हुआ है ये, और ये भी इधर 100 मीटर तक गया हुआ है, ठीक है। आप इसको 10 तक ही रखिए, इधर 10 यार, लेकिन ये 100 गमला रखा हुआ है, 100 गमला रखा हुआ है, इसका मतलब ये एक मीटर की दूरी पर है तो 100 मीटर पर गया होगा। और ये दूसरा पंक्ति में निहारिका है और आठवां पंक्ति में जो है ये प्रीत है। अब अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कहीं झंडा गाड़ना हो तो कहाँ गाड़ा जाएगा, किस पॉइंट पर? तो सबसे पहले इसका एक्स का वैल्यू तो दिया हुआ है 2 है, एक्स का वैल्यू इसका 2 है, लेकिन वाई का वैल्यू पता नहीं है। लेकिन कहा कि जो वाई है ये, अगर इसको डी और ए माना है तो कहता वाई, ये जो है वाई का वैल्यू निकालने के लिए कि ए डी तो 100 मीटर है पूरा, 100 मीटर का एक बटा, 100 मीटर का
एक बटा चार भाग, 100 मीटर का एक बटा चार भाग ये दूसरी पंक्ति में है, तो कितना हुआ? तो हम y निकाल लेंगे यहाँ से, x का वैल्यू दो दिया हुआ है तो y का वैल्यू निकाल लेंगे 100 का एक बटा चार, यानी कि ये 25 दिया हुआ है, यानी ये निकल गया। दूसरा पंक्ति में निहारिका का, निहारिका का जो पॉइंट है वह है 2 और 25, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई इसका निकल चुका है, अब निकालना है प्रीत का। प्रीत का एक्स और वाई निकालने के लिए क्या करना होगा, ये एक्स तो आठ में है, आठवां पंक्ति में इसका एक्स आठवां पंक्ति है, लेकिन वाई का था कि 100 का, यानी जो एडी है, एडी 100 मीटर है, 100 मीटर का एक बटा पाँच भाग है, तो 100 मीटर का एक बटा पाँच भाग कितना हुआ, 20 हो गया, यानी वाई का वैल्यू इसका 20 दिया हुआ है, ठीक है। वाई का वैल्यू 20 दिया हुआ है। अब कहता बीच में अगर गाड़ना है, तो बीच में गाड़ने के लिए सिंपल सा बात, बीच में अगर गाड़ना है, ये एन है निहारिका और ये पी है, समझिए बीच में गाड़ना, इसका मतलब एक अनुपात एक में बांटेगा। अगर एक अनुपात एक में बांटा, इसका मतलब मध्य बिंदु हुआ। मध्य बिंदु निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक्स टू प्लस एक्स वन कीजिए, बाई टू कर दीजिए, क्योंकि इसमें अगर एक से गुना करेंगे एम वन भी एक है और एम टू भी एक होगा, और एक से एक गुना करेंगे तो फिर वही हो रहा है, कोमा वाई टू प्लस वाई वन बाई टू कर दीजिए, ठीक है। एक्स टू इसमें कितना है, एक्स टू है 8 प्लस 2 बाई टू, वाई टू है 20 प्लस वाई वन बटा 2, 8 दो 10 बटा 2 कोमा 45 बटा 2, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 कोमा 45 बटा 2। इसका पॉइंट बीच में आप पॉइंट जहाँ भी गाड़ना है तो 5 कोमा 22.5 के बीच पॉइंट पर, यानी एक्स का वैल्यू 5 यानी कि पांचवा पंक्ति में होगा, और वाई का वैल्यू 22.5 यानी 22 मीटर पर 22वां गमला के बाद होगा, ठीक है। ये 3 नंबर का आंसर था।